फ्यूचर रेस्टिक हाइड्रोजन ट्रेन, फिर वर्ल्ड क्लास मेट्रो, एडवांस स्लीपर इंटीरियर, ये सब भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन में इंटीग्रेट करना चाहती है और इसके वजह से काफी सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो हाल ही में एक्सपेरिमेंट किया गया है 8 कोच के वंदे भारत को दौड़ाने का, ये भी काफी ज्यादा हिट रहा है। इनफैक्ट रेलवे ने तो प्लान कर लिया है, हम तो इसी 64 वंदे भारत ट्रेन हमारे देश के काफी सारे विभिन्न शहरों में दौड़ाना स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ सबसे बड़ा प्लान मैं आपको बता दूं यहां पर ये है कि हम जापानी जैसी सेफ्टी को भारत में लाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से जापान में ऑलमोस्ट बुलेट ट्रेन में 0 फेटेलिटी है, सेम इंडियन रेलवे भी अब 0 डेथ मिशन में लग चुकी है। इसके लिए 7 एक्शन प्लान्स भी बन चुके हैं। सबसे पहला है इनका फुट ओवर ब्रिज, एक्सीलेटर, लिफ्ट्स, जितना ज्यादा हो सके काफी अच्छे से रेलवे स्टेशन में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, सो डेट कोई भी इलीगल रेलवे क्रॉसिंग कर ही ना पाए। फिर अपार्ट फ्रॉम डेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, काफी बार आपने देखा होगा कि पैसेंजर चलते चलते चलती ट्रेन से जो गैप है, इतने बड़े जो फालतू में बना दिए हैं उसमें फंस जाते हैं बेचारे और जान से हाथ गवा बैठते हैं, सो ये सब भी खत्म कर दिया जाएगा। और जो ट्रेन की हाइट है लगभग उसी हाइट में प्लेटफॉर्म को मेंटेन किया जाएगा, तो इसका भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। फिर आते हैं फेंसिंग को लेकर, तमाम ऐसे किस्से हुए हैं पास्ट में वंदे भारत को लेकर, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकल कर यही आया है कि हम स्टील की ऐसी जो हाईवे में फेंसिंग लगाते हैं उसी तरह का लगा दें, सस्ता भी है और काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है। लेकिन गडकरी जी जो स्टील वालों को सबक सिखाना चाहते हैं और बाम्बू वाले फेंसिंग उन्होंने लॉन्च किए हैं, तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं रेलवे को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम भी ऐसी बाम्बू फेंसिंग लगाएं, इससे जो बाम्बू के मेकर्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही में ये काफी ज्यादा सस्टेबल और एफिशिएंट भी है कंस्ट्रक्ट करने का। एक्सेप्शन तब आ जाता है जब हम आ जाते हैं सिटी में और ये हमारा पॉइंट नंबर 4 दैट इज बाउंड्री वेल। सिटी में काफी हद तक कंपलसरी बन जाता है कि हम एक प्रॉपर बाउंड्री वेल कंस्ट्रक्ट करें। फाइनली 5th पॉइंट्स की बात करें तो वार्निंग बोर्ड्स साफ साफ यहाँ पर बड़े बड़े दिखाना चाहिए, सो दैट ट्रैफिक पासिंग हो ही ना पाए और लोगों को भी प्रिवेंट किया जा सके। सेकेंड लास्ट है अनाउंसमेंट, यहाँ पर प्रॉपर अनाउंसमेंट होना चाहिए और पीएफ पर्सनल्स और बाकी ऑफिशियल्स के द्वारा अवेयरनेस टाइम टू टाइम क्रिएट करते रहना चाहिए। इनफैक्ट काफी बार आपने देखा होगा कि स्पीकर्स भी इतने साफ नहीं होते, प्रॉपर साउंड भी निकल कर नहीं आते हैं, सो रेलवे को ये सब ही रिप्लेस करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के स्पीकर्स लगाना चाहिए सो डेट पैसेंजर्स को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फाइनली अब हम आ जाते हैं इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज पर। अब मान लीजिए फर्स्ट के सिनेरियो में कुछ अफगात हो जाए, फटाफट उस पैसेंजर को कहां लेकर जाएं, यही सोचने में पूरा टाइम निकल जाता है, सो क्यों ना भारत के सभी स्टेशनों में एक प्रॉपर इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देनी चाहिए, सो डेट 0 फेटेलिटी 0 डेथ मिशन को रेलवे अचीव करे। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू अपडेट के साथ, थैंक यू, बाय।